हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आत्मनिर्भर हरियाणा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें और इस योजना का लाभ कौन से लोगों को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, आत्मनिर्भर हरियाणा योजना में राज्य सरकार छोटे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को लोन देकर लाभ पहुँचाने के लिए ये योजना शुरू की है। जी हां दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत राज्य में छोटा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को 15,000 रुपये का ऋण सरकार द्वारा मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत ये लगभग 15,000 रुपए का ऋण लगभग 3 लाख करीब परिवारों को सिर्फ 2% के ब्याज पर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रदान किया जाएगा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जुड़ी सारी जानकारी देंगे, जैसे कि आवेदन कैसे करें और कौन कौन से दस्तावेज इसके लिए पात्र होंगे और कौन इसमें आवेदन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो। सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। योजना आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई इस योजना के लिए यानी गरीब परिवार में व्यवसाय शुरू करने के लिए 2% ब्याज पर ये रुपए मिल रहे हैं, 15,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, छोटे व्यवसाय करने वाले गरीब लोगों को जी हाँ दोस्तों मिल रहे हैं 15,000 रुपए। आप भी ले सकते हैं। हरियाणा आर यानी DR की योजना के तहत गरीब लोगों को 4% ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाता था, लेकिन अब लोग आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण 2% पर यानी 2% ब्याज पर प्राप्त कर सकेंगे। शेष 2% ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण चल रहा है, जिसकी वजह से अभी अनलॉक जारी है। जी हाँ दोस्तों, इस अनलॉक की वजह से सभी काम पूरी तरह ठप हो चुके थे, लोगों को कारोबार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा के छोटे व्यवसाय को यानी व्यवसायों को 15,000 रुपए का ऋण मुहैया कराने का फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भर हरियाणा योजना यानी हरियाणा लोन योजना में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा चलाई गई है। इस योजना के लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य में आर्थिक गतिविधि पिछले तीन महीनों में सीमित है, यानी परिणाम स्वरूप न केवल परिवार की आय प्रभावित हुई है बल्कि सरकार के राजस्व राज्य में भी भारी कमी आई है। हालांकि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहेगी कि पारिवारिक आय की कमी के कारण परिवार की दैनिक समस्याओं को नुकसान नहीं होगा और कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में पिछले 3 महीनों में 15,09,108 परिवारों को 6,36 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस योजना को में आवेदन करना चाहते हैं तो अपने हरियाणा वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको कौन कौन लोग इसके पात्र होंगे। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को परिवार की व्यवसाय आय 18,000 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र के लिए वार्षिक आय 24,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक जिन्हें केंद्र, राज्य सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले नियमों की किसी भी सब्सिडी से जुड़ी योजना के तहत सहायता नहीं दी जाती है। लाभार्थी के पास वित्तीय यानी वित्त का दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए, जबकि DRI ऋण मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आवेदक किसी भी प्रकार की भूमि का मालिक नहीं होना चाहिए और उसके पास यानी निश्चित भूमि के मामले में 1 एकड़ और अनिश्चित भूमि के मामले में 2.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य ऋण के लिए पात्र हैं, भले ही जमीन कोई भी हो, बशर्ते कि ये अन्य यानी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हों। आवेदन पूर्व के लिए ऋण का यानी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए, तभी आपको ये मिलेंगे 15,000 रुपए सभी लोगों को। अगर ये हरियाणा सरकार चला रही है अपने राज्य के सभी गरीब यानी छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को उनका व्यवसाय शुरू करने के लिए योजना चलाई गई है। तो दोस्तों अगर आप भी अपना कोई भी छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 15,000 रुपए मिलेंगे 2% ब्याज की दर पर। ये 3 लाख गरीब लोगों के लिए योजना चलाई गई है। तो दोस्तों अगर आप हरियाणा के हैं तो आपके लिए ये योजना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।